हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है मोशन पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसमें हमारा जो है कुछ टॉपिक कंप्लीट हुआ था, तो चलिए हम लोग फिर से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखेंगे, क्योंकि मैं जो है एक वीडियो को अप्रॉक्स 20 से 30 मिनट के आसपास रख रहा हूँ। इससे ज़्यादा इससे बड़ा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग को जो है बोरिंग लगने लगे, इसीलिए हम लोग पार्ट पार्ट करके पढ़ लेंगे। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो फिजिक्स तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 9th के लिए, और ये हमारा सिलेबस जो एनसीईआरटी बुक के अनुसार हम लोग ये कवर कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो हम लोग जो है मोशंस में अभी लास्ट वीडियो में देखिए कहाँ तक पढ़े थे, एक बार मैं स्लाइड दिखा दे रहा हूँ। मोशंस पढ़े थे, मोशंस अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ लिए थे, डिस्टेंस के बारे में पढ़े, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े, और ये वाला हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरिंग ऑफ रेट ऑफ मोशन। अब आप लोग जो है बोलोगे कि रेट ऑफ मोशन को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, रेट ऑफ मोशन को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, उस चीज़ को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि रेट ऑफ मोशन को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। यानी कि आज का हमारा वीडियो जो है वो रेट ऑफ मोशन को मेजर करने का मेथड क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द वे ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द ऑब्जेक्ट्स इन यूनिट टाइम। यानी कि इसमें बोल रहा है कि रेट ऑफ मोशन मेजर करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम में। यानी कि ऐसे बोल सकते हो कि हमारा रेट ऑफ मोशन जो है हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारा जो है रेट ऑफ मोशन हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, रेट ऑफ मोशन हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट ऑफ टाइम में। यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस हमारा कोई ऑब्जेक्ट मेजर किया है वो हम लोग उसका क्या बताते हैं कि रेट ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। अब आगे देखो, दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड एज टू एज स्पीड। अब इसको हम लोग देखो एक नया टर्म आ गया, स्पीड। स्पीड हम लोग जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग स्पीड बोल सकते हैं। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, तो देखोगे आप लोग कि बोला जाता है कि स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट का बोला जाता है कि हमारा कार इतने स्पीड से मूव कर रहा है, तो स्पीड क्या है। तो स्पीड का कॉन्सेप्ट कैसे आता है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के रेट मतलब मोशन को किस रेट से मेजर करते हैं उसको हम लोग स्पीड नाम दिए हैं, ठीक है। यानी कि स्पीड और रेट ऑफ मोशन सेम ही हो गया, यानी कि स्पीड का भी डिफिनेशन यही हो जाएगा ना कि पर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि स्पीड हमारा जो नया टर्म है उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ पॉइंट है, उसको पढ़ लेते हैं। तो देखो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड कैसे है, तो देखो इससे पहले ही पढ़े थे हम लोग, स्पीड बोलो या रेट ऑफ मोशन बोलो वो क्या था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या हम लोग यूनिट क्या लिखते हैं, डिस्टेंस हमारा लेंथ जो होता है मीटर में मेजर होता है, लेंथ जो है ना डिस्टेंस क्या लेंथ ही है ना, तो उसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। कैसे आया ये चीज आप लोग समझ में आ गया आप लोग को, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद से लिखा हुआ है कि दिस इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। देखो सिंबल ये इनवर्स का है, देखो मीटर पर सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से भी, मीटर पर सेकेंड को हम लोग एस लिख के उसके ऊपर हम लोग इन्वर्स कर देते हैं, ठीक है। मीटर पर सेकेंड बोलो या फिर एम बाई एस बोलो या मीटर पर सेकेंड बोलो, बात हमारा सेम ही है, ठीक है। अब देखो अदर भी हम लोग कुछ और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे गाड़ी का स्पीड बोलते हैं ना कि 10 किलोमीटर पर आवर, हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा कार जो है हम लोग जो है 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं, 80 किलोमीटर पर आवर से। तो किलोमीटर पर आवर क्या है, ये हमारा स्पीड का यूनिट है। यूनिट कैसे, देखो लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर में भी तो मेजर करते हैं कि 10 किलोमीटर गए तो वो लेंथ ही है ना। टाइम को हम लोग आवर में भी मेजर करते हैं, यानी कि किलोमीटर पर आवर भी हमारा स्पीड का भी है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर भी हमारा लेंथ का होता है, सेकेंड हमारा टाइम का होता है, एंड किलोमीटर पर आवर। अगर आपको कहीं पे सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया रहा है, किलोमीटर पर आवर दिया है, तो आप क्या समझोगे कि हमारा ये स्पीड का यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, हमारा ये स्पीड का यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो यानी कि आप लोग लिख सकते हो किलोमीटर पर आवर या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्या है हमारा, स्पीड है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ मोशन को मेजर करता है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं, टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। देखो एक और चीज, जैसे डिस्टेंस के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड का जरूरत है, हम लोग पढ़े थे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था, उसका हम लोग लेंथ देखते थे, लेंथ के अनुसार हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड लिखते थे। वैसे ही हम लोग स्पीड के लिए क्या चाहिए, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है।
यानी कि स्पीड भी देख रहे हैं हमारा क्या निकल के आ रहा है, स्पीड हमारा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम निकल के आ रहा है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम निकल के आ रहा है ये स्पीड, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देख भी रहे कि स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, लिखा हुआ भी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग पहले भी पढ़े थे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में, कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इक्वल डिस्टेंस, सॉरी इक्वल टाइम में हमारा अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं है वो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा मैक्सिमम ऑब्जेक्ट हमारा रहता है, ठीक है। तो देखो हमारा जो है जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है एवरेज स्पीड का। तो देखो लिखा हुआ है, देयर फोर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ द देयर एवरेज स्पीड। क्योंकि देखो एक बात बताओ, अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो तो ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम से आप क्या करोगे स्पीड निकालोगे, लेकिन मान लो कि ए से बी जाने में डिस्टेंस पार्ट वाइज कर लेते हैं, कुछ कुछ पार्ट वाइज कर लेते हैं, तो क्या हमारा अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या आप लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम, नहीं। तो वहां पे हमारा क्या कंसेप्ट निकल के आता है, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट निकल के आता है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेंड बाई डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई द टोटल टाइम टेकन। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन लिख सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आया क्यों, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो है मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट निकल के आया। नहीं तो एवरेज स्पीड का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग स्पीड से ही निकाल लेते, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल, सॉरी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस हमारा क्या है, अगर हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम सेम है तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कर करके निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, गलत भी आ सकता है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। जैसे हम लोग मान लो कि आप अपने घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर गए हो, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि 1 से 10 में जो गए हो वहीं 10 से 20 में जाओगे, वहीं नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि हमें 100 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड हमारा वो होता है, एवरेज स्पीड हमारा होता है। एवरेज स्पीड क्यों होता है, क्योंकि हमारा 100/3 यानी कि 100/3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग गए हैं, वो स्पीड हमारा क्या है, एवरेज स्पीड है। क्यों एवरेज स्पीड है, क्योंकि हमारा स्पीड हमेशा कांस्टेंट थोड़ी है, कुछ दूर हम लोग गए हैं 20 के स्पीड से, कुछ दूर हम लोग गए हैं 10 के स्पीड से, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर से, कुछ दूर हम लोग गए हैं 20 किलोमीटर पर आवर से, कुछ दूर हम लोग गए हैं 30 किलोमीटर पर आवर से, तो हमारा क्या हो रहा है, स्पीड हमारा क्या है, अलग अलग है। यानी कि हम लोग हमेशा हमारा मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकल गया है, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट निकल गया है। चलो यहाँ पे वैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाई एन एग्जाम्पल, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर। 100 किलोमीटर जाने में उसको 2 घंटे लगते हैं, यानी कि स्पीड क्या निकल के आएगा, एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगा, 100, डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना है 2, यानी कि हमारा 50 किलोमीटर पर आवर निकल के आया ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम। कार हमारा 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हमेशा नहीं जा सकता है, कहीं पे कार हमारा 60 किलोमीटर पर आवर के भी स्पीड से गया, कहीं पे हमारा 90 किलोमीटर पर आवर के भी स्पीड से गया, कहीं हमारा 10 किलोमीटर पर आवर के भी स्पीड से गया। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली यही देखते हैं ना कि हमारा स्पीड हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं रहता, आप लोग हमेशा मूव करते हो, कहीं जाते हो तो देखते होंगे, तो उस केस में हमारा क्या आता है, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आता है। समटाइम इट माइट हैव ट्रेवल फास्टर, समटाइम स्लोअर देन दिस, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि हमारा जो है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, तो व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बोलो देखो यहाँ पे हमारा क्या बोला है, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, एवरेज स्पीड पूछा है,
एवरेज स्पीड के लिए क्या करोगे यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, 16 टोटल डिस्टेंस कितना है, 16 प्लस 16 टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगता है, 4 प्लस 2। यहाँ पे यूनिट क्या लिखोगे, देखो लेंथ हमारा मीटर में है, लेंथ हमारा मीटर में है और टाइम हमारा सेकेंड में है, यानी कि हमारा क्या निकल गया एवरेज स्पीड 32/6 मीटर पर सेकेंड, 32/6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है चलो अब आते हैं स्पीड विथ डायरेक्शन, नेक्स्ट कंसेप्ट है स्पीड विथ डायरेक्शन। देखो इसमें क्या बोला, द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंप्रेहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विथ इट्स स्पीड। ठीक है, अगर हम लोग मोशंस में अगर उसका डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड कर दे तो और भी मतलब कंप्रेहेंसिव उसमें हो जाएगा। देखो अब उसमें क्या क्या होगा वो हम लोग आगे देखते हैं। द क्वांटिटी डैट स्पेसिफाई बोथ दीज एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट के पास, अगर हमारे ऑब्जेक्ट के पास स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी है तो उसमें हमारा क्या होता है, वेलोसिटी हो जाता है, क्या कंसेप्ट आ जाता है, उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। अब वेलोसिटी भी क्या हमारा क्या होता है, वेलोसिटी भी हमारा स्पीड ही है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट्स में क्या है, हमारा डायरेक्शन भी है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट हमारा अगर मूव कर रहा है तो उसके पास डायरेक्शन भी है। यानी कि देखो आगे लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डिफिनेट डायरेक्शन, यानी कि हमारा वेलोसिटी कंसेप्ट कहाँ से है, स्पीड में अगर हमारा डायरेक्शन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही देखे थे कि स्पीड हमारा क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर। अगर स्पीड में हमारा डायरेक्शन भी आ जाएगा अगर डायरेक्शन भी आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो है वेलोसिटी है। तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, हमारा वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। इट कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। अब देखो वेलोसिटी हमारा, हम लोग पहले देखे कि वेलोसिटी का कंसेप्ट कहाँ से है, स्पीड प्लस डायरेक्शन से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी हमारा कैसे कैसे चेंज हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज करोगे तब भी वेलोसिटी चेंज कर सकता है, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करो तब भी हमारा चेंज हो सकता है, या फिर दोनों में दोनों को दोनों चेंज कर दो तब भी हमारा क्या हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो सकता है। यानी कि हमारा एक और कंसेप्ट निकल के आया वेलोसिटी, ये क्या होता है, ये बस हमारा स्पीड में डायरेक्शन आ जाता है तो हम लोग बोल देंगे कि वो हमारा वेलोसिटी का डिफिनेशन हो गया, यानी कि वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होने का क्या क्या वजह हो सकता है, या स्पीड चेंज करो, या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करो, या फिर दोनों चेंज करो। ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो आगे इसमें क्या लिखा हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट ए वेरिएबल स्पीड, ठीक है, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जैसे हमारा एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आया था, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्यों आया था, क्योंकि हमारा मैक्सिमम ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होता है। वैसे ही यहाँ पे अगर हमारा स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं और स्पीड हमारा वेरिएबल है तो हमारा क्या निकल के आता है, हमारा निकल के आता है एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज कैलकुलेट इन दी वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। जैसे हम लोग एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को भी कैलकुलेट करते हैं। यानी कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड तो हमारा हो गया, एक और स्पेशल केस आता है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवेन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर गिवेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमारा ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो रहा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है, या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो हमारा एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा वो क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा जो है एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट जो आएगा वो आता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय टू लिखा हुआ ना कि अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी,
ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट एक स्पेशल केस है। कौन सा स्पेशल केस है? जब हमारा वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म रेट का होगा। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का कंसेप्ट तो पहले ही पढ़ लिए। अब देखो, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम होगा, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा डायरेक्शन आता है, तब क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। तो डायरेक्शन की वजह से तो हमारा यूनिट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है देखते रहें वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, ठीक है। ऐसे ही जो है रिमेनिंग पार्ट जो है आगे कवर हो जाएगा। मैं वीडियो को पार्ट वाइज करके बना रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ने में सुविधा होगा। तो अभी तक हम लोग जो है दो तीन कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग, स्ट्रेट लाइन वाला पढ़ लिया, फिर हम लोग पढ़े डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, फिर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। बाकी जो टॉपिक है इसमें मोशंस में हम लोग एक और वीडियो बना के उसको कवर कर लेंगे। थैंक यू।